बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 1। क्लास लेक्चर नंबर 1 में हम आज चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस को शुरू करेंगे। चैप्टर में हम रीडिंग करेंगे और इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। टॉपिक्स जो हमारे हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस से लेकर मेमोरी कार्ड्स तक, इसके अलावा हम बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। चलें क्लास अपनी रीडिंग की तरफ आए। अपनी बुक के पेज नंबर 16 पर आए। कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस, क्लास जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है चैप्टर के कि ये चैप्टर हमारे कंप्यूटर में जो डाटा को स्टोर करने के लिए डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में है। कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटर पार्ट्स, वी कैन डिवाइड देम इनटू 4 टाइप्स। जो कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर के पार्ट्स भी कहलाते हैं। हम इन्हें मज़ीद 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, जो कि डाटा को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस, जो डाटा का आउटपुट लेने के लिए, और स्टोरेज डिवाइसेस, जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज। द क्लासिफिकेशन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस इज बेस्ड ऑन द टास्क परफॉर्म बाय द डिवाइसेस। इन्होंने कहा है कि डाटा जो डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है क्लास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। क्लास हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अ स्टोरेज डिवाइस इज नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग डाटा। ये स्टोरेज डिवाइसेस किस लिए ज़रूरी है? डाटा को रिकॉर्ड रखने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म बाई कंप्यूटर इज स्टोरिंग डाटा। जो कंप्यूटर का टास्क है, बहुत ज़रूरी टास्क है, वो ये है कि वो डाटा को स्टोर कर सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा। डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। द डाटा इज स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। डाटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब हम स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉमनली कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज द हार्ड डिस्क। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैज़ बेटर स्टोरेज स्पेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क है और इसमें ज़्यादा स्टोरिंग स्पेस मौजूद होती है। टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क, ब्लू रे डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। क्लास इन्होंने बताया है, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइसेस क्लास हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप आएँ अपने पेज नंबर 17 पर। रैंडम एक्सेस मेमोरी, द रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पोरेरली। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इंफॉर्मेशन को थोड़े वक्त के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द एक्सेस रेट ऑफ रैम इज मच हायर। रैम का एक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। रैम इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। रैम एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है क्लास रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। जैसे कि क्लास आपको नाम से पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, तो ये डाटा को सिर्फ रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी और इसके अलावा ये डाटा को परमानेंटली तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाटा स्टोर ऑन रैम कैन नॉट बी चेंज। जो रैम रोम पर डाटा स्टोर होता है उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। रोम्स आर नॉट एक्सपेंसिव, ये महंगी नहीं होती। रोम इज़ ऑल्सो अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। रोम भी क्या है? एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट है क्लास टॉपिक आपका, वो है हार्ड ड्राइव्स, HDD। द हार्ड ड्राइव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेकेंडरी टाइप कंप्यूटर डाटा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की एक टाइप है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डेटा इज स्टोर ऑन हार्ड ड्राइव्स इन द डिजिटल फॉर्मेट। डेटा जो हार्ड ड्राइव्स पर स्टोर होता है वो होता है डिजिटल फॉर्मेट में। नाउ देर आर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आल्सो अवेलेबल एज वेल, के एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी अवेलेबल होती हैं। ज़्यादा तो क्लास हार्ड ड्राइव्स कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, लेकिन अब चूंकि एक जदीद दौर आ चुका है तो हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आएँ अपने नेक्स्ट पेज पर, फ्लॉपी डिस्क। दिस इज़ अ टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इट शेप्स इज स्क्वायर। फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस है, ये प्लास्टिक से बनी होती है और इसकी शेप क्या होती है? स्क्वायर कर। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज लाइक 8 inches, 5/4 inches एंड 3.5 inch इन द पास्ट। इनके डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं। जो आजकल हमारा द ओनली साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क वी कैन फाइंड दिस डेज इज 3.5 inches। जो फ्लॉपी डिस्क का साइज आजकल इस्तेमाल किया जाता है वो है 3.5 inches। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 megabytes। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.4 megabytes। क्लास ये फ्लॉपी डिस्क आजकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाती, बहुत कम ही इसे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। मोस्टली तौर पर क्लास आजकल CD, DVDs और USB का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टोरेज डिवाइस है वो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज CD। वी कैन स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम ऑन CDs। कम्पैक्ट डिस्क को CDs भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हम CDs पर हम डाटा बहुत लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ CD इज़ अप्रॉक्सीमेटली 700 MB। CDs की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 MB तक है। द डाटा इज स्टोर ऑन द CDs इन ऑप्टिकल फॉर्मेट। डाटा CDs पर किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? ऑप्टिकल फॉर्मेट। बैकअप्स कैन बी स्टोर ऑन द CDs। CDs पर हम बैकअप को भी स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज ऑल्सो नोन एज DVD। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को और क्या कहते हैं? DVD। वी कैन स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम्स ऑन DVD। हम DVDs पर डाटा बहुत देर तक स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द डाटा इज स्टोर ऑन DVDs इन ऑप्टिकल फॉर्मेट। डाटा DVDs पर ऑप्टिकल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। बैकअप कैन बी स्टोर ऑन DVD। बैकअप्स को भी DVD पर स्टोर किया जाता है। अब अपने नेक्स्ट पेज पर आए, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क आर ऑल्सो नोन एज BD। ब्लू रे डिस्क को और क्या कहते हैं? BD। BDs आर यूज्ड फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज। BDs किस लिए इस्तेमाल की जाती है? हाई डेफिनेशन ऑफ वीडियोज़ के लिए। हाई डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा HD वीडियोज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। BDs आर ऑफ्टन यूज्ड बाय ग्रामर्स। BDs आर ऑफ्टन यूज्ड बाय गेमर्स। BDs ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करते हैं? गेमर्स। BDs आर सिमिलर टू द CDs एंड DVDs इन देयर लुक्स, कि दिखने में तो जो BDs हैं वो CDs और DVDs के जैसे ही होती हैं। इट इज़ अ मेमरी स्पेस विच मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन CDs, DVDs एंड BDs, कि इसकी जो मेमरी स्पेस है यही BDs, CDs और DVDs के दरमियान में डिफरेंस है। BDs इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। जिस तरह के CD और DVD ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, इसी तरह BDs भी क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है क्लास टॉपिक USB ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव्स आर नॉन वोलेटाइल एंड डाटा कैन बी रिटर्न ऑन देम। नॉन वोलेटाइल का क्लास मतलब होता है कि अगर लाइट चले जाए, USB लगी हो हमारे कंप्यूटर में, लाइट चले जाए तो हमारा डाटा रिमूव नहीं होगा। हम इस पर डाटा बार बार भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि क्लास आप लोगों ने यूज़ किया ही होगी USBs, ठीक है। हम उसमें कितना कुछ कभी कुछ डिलीट करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं? डाटा दोबारा से लिख सकते हैं। USBs फ्लैश ड्राइव्स आर वेरी स्मॉल इन साइज बट हैव वेरी लार्ज, कि ये बहुत छोटी होती हैं साइज में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स आर अनदर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस।
डाटा इज स्टोर इन डिजिटल फॉर्मेट्स ऑन मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स पर डाटा किस फॉर्मेट में सेव होता है? डिजिटल फॉर्मेट में। मेमोरी कार्ड्स कैन बी यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि बिजली से चलती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। मेमोरी कार्ड्स आर आल्सो री राइटेबल कि मेमोरी कार्ड्स में हम डाटा बार बार सेव या डिलीट कर सकते हैं। आल्सो मेमोरी कार्ड्स आर स्मॉल इन साइज, दे कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा कि मेमोरी कार्ड्स भी चूँकि हालांकि बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी हम इसमें बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस कि कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर क्लास आपके चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग ख़त्म होती है। अब आप आएँ अपने बुक वर्क की तरफ। आप अपने बुक का पेज नंबर 23 खोलें। चूज द बेस्ट ऑप्शन। द असेस रेट ऑफ डैश इज मच हायर। ऑप्शन रॉम, रैम या डीवीडी। तो क्लास करेक्ट ऑप्शन है आपका रैम। द असेस रेट ऑफ रैम इज मच हायर। एमसीक्यू नंबर 2। डेटा स्टोर इन डैश कैन नॉट बी चेंज। ऑप्शंस रॉम, रैम या डीवीडी। करेक्ट ऑप्शन है क्लास आपका रॉम। डेटा स्टोर ऑन रॉम कैन नॉट बी चेंज। एमसीक्यू नंबर 3। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस लाइक 8 इंचेस, 5 and 4 inches एंड 3.5 inch इन द पास्ट। ऑप्शंस रॉम, रैम या एफडी। तो क्लास आपका करेक्ट ऑप्शन है एफडी, फ्लॉपी डिस्क। MCQ number 4. The only size of floppy disk we can find these days is dash inches, 5 and 4 inch, 3.5 inch या 7.5 inch. तो क्लास करेक्ट ऑप्शन है आपका 3.5 inch. The only size of floppy disk we can find these days is 3.5 inches. MCQ number 5. The storage capacity of a CD is approximately dash MB, 500, 700, 800. करेक्ट ऑप्शन है आपका 700. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ सीडी इज अप्रोक्सीमेटली 700 MB. एमसीक्यू नंबर 6. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज ऑल्सो नोन एज डैश। ऑप्शंस सीडी, डीवीडी या बीडीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज ऑल्सो नोन एज डीवीडी। एमसीक्यू नंबर 7. The storage capacity of a dash is approximately 4.7 GB. Options CD, option 2 DVD and option 3 BD. Correct option hai aapka DVD. The storage capacity of a DVD is approximately 4.7 GB. MCQ number 8. BDs are similar to the dash and the DVDs in their looks. Options CDs, Blu-ray discs, FDs. Correct option है आपका CDs. BDs are similar to the CDs and the DVDs in their look. MCQ number 9. Dash flash drives are non-volatile and data can be rewritten on them. Options UPS, CPU या USB. Correct option है आपका USB. USB flash drives are non-volatile and data can be rewritten on them. क्लास अब अपने पेज नंबर 21 पर आए। मार्क एज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट 1 है आपकी, रैम इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्लास। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, डेटा स्टोर ऑन रैम कैन नॉट बी चेंज। फॉल्स, रैम पर डेटा स्टोर किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क इज 1.44 KB। क्लास ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB डाटा स्टोर करती है, केबी नहीं। स्टेटमेंट नंबर 4, वी कैन स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टाइम ऑन डीवीडी। ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सीडीज आर यूज्ड फॉर हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज। फॉल्स।
ब्लूरे डिस्क यूज की जाती है हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज के लिए, सीडीज नहीं। सीडीज बैकअप के लिए मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, मेमोरी कार्ड्स कैन बी यूज्ड ऑन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ट्रू। सेवंथ स्टेटमेंट, अ डीवीडी होल्ड्स इवन मोर इंफॉर्मेशन देन अ सीडी, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्लास। नेक्स्ट है क्लास आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, डेटा इज स्टोर ऑन द हार्ड ड्राइव इन द डैश फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, द ओनली साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क वी कैन दीज डेज इज डैश इंचेस, 3.5 inches। थर्ड स्टेटमेंट है क्लास, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी इज अप्रोक्सीमेटली डैश, आंसर है 4.7 GB। प्राइमरी मेमोरी इज प्लेस्ड ऑन अ चिप लोकेटेड ऑन द डैश, मदरबोर्ड। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ डीवीडी इज अप्रोक्सीमेटली डैश 4.7 GB। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, अ डीवीडी होल्ड्स इवन मोर इंफॉर्मेशन देन अ डैश, सीडी। सेवंथ फिल इन द ब्लैंक है, द पर्पस ऑफ अ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर इज टू होल्ड डाटा और डैश, स्टोर डाटा। क्लास पेज नंबर 21 पर ही है आपके, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस। आंसर, अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा टेम्परेरी और परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 types ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। आंसर, 3 types ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। आंसर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आंसर, हार्ड डिस्क इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस। आंसर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टर्टियरी स्टोरेज डिवाइस इज टू प्रोवाइड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी एट लो कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। आंसर, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी इन कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीडी, अ ब्लूरे डिस्क एंड अ डीवीडी। आंसर, इट इज द मेमोरी स्पेस व्हिच मेक्स ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन द सीडीज, डीवीडीज एंड बीडीज। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। आंसर, मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स आर यूज इन मेनी स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। क्लास, ये था आपके क्वेश्चन आंसर्स। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग की, इसके अलावा हम लोगों ने बुक वर्क सॉल्व किया और क्वेश्चन आंसर्स किए। आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपीज पर उतार लेने हैं और अच्छे से याद कर लेने हैं और बुक वर्क अपनी बुक्स पर उतार लेना है। यहीं पे क्लास आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।